व्हाट्सएप आप हमें ट्रैम के बारे में बताएंगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं रूजवेल्ट ट्रैम जो कि कनेक्टेड है मैनहट्टन के साथ, तो चलें आपको आज इसकी सैर कराते हैं और बाद में इसकी जो मेन डिटेल आपको बाद में बताएंगे। तो आज आपको व्हाट्सएप लेके जा रहे हैं न्यूयॉर्क ट्रैम के ऊपर। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं न्यूयॉर्क ट्रैम जो कि कनेक्टेड है रूजवेल्ट आइलैंड और मैनहट्टन के साथ, जो इनको आपस में कनेक्ट करती है और इनके दरमियान में रिवर है। ये इस रिवर के ऊपर से जाती है और साथ साथ में आपको नजर आ रहा है ये क्वींस ब्रिज के बिल्कुल साथ साथ जा रही है ये, क्योंकि रूजवेल्ट आइलैंड और मैनहट्टन के दरमियान कोई ब्रिज नहीं है। ये जो ट्रैम है ना ये मैनहट्टन की तरफ ईस्ट अपर ईस्ट साइड के साथ ये कनेक्टेड है और बिल्कुल क्वींसबोरो ब्रिज के बिल्कुल सामने है इसकी जो लोकेशन है। सो ये सेकंड एवेन्यू बनता है और साथ 59 60 स्ट्रीट के ऊपर है। ये रूजवेल्ट के दूसरी साइड पे क्वींस है और क्वींस का वो लॉन्ग आइलैंड सिटी का नेबरहुड है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं करती बिटवीन, कोई ब्रिज नहीं है बिटवीन मैनहट्टन के और रूजवेल्ट आइलैंड के, इसलिए इस लोगों की सहूलत के लिए ये 1976 में ये स्टार्ट की गई थी और अभी तक ये मिलियंस ऑफ पीपल इसको यूज कर चुके हैं। वैसे एफ ट्रेन भी जाती है वहां पे, अगर आप ने इसको लेना है ये, अगर आप क्वींस की तरफ से आ रहे हैं तो आप एफ ट्रेन लेके रूजवेल्ट आइलैंड से बाहर निकलेंगे तो आपको वहां से ये मिल जाएगी और इसकी जो प्राइस है वो सबवे के बराबर है। जैसे आप अगर ट्रेन लेते हैं या बस लेते हैं जो वहां पे आपको पे करते हैं वही इसकी प्राइस है। आजकल इसकी प्राइस 275 है, सो वन वे है ये। अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा इसका, और अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो पार्किंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आज हम आए हैं, हम आज अपनी गाड़ी लेकर आए हैं लेकिन हमें बहुत मुश्किल लगी है पार्किंग ढूंढने में। सो तकरीबन आधे घंटे की कोशिश के बाद हमें पार्किंग मिली है और वो तकरीबन $2 पर आवर है, और उसका जो रूजवेल्ट आइलैंड में मैक्सिमम आप 6 आवर की पार्किंग कर सकते हैं। सो आज हम आपको वहां पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहां पे उस साइड पे क्या चीजें हैं। वापस रूजवेल्ट आइलैंड की तरफ जा रहे हैं ट्रैम लेके,
तो नेक्स्ट 3 मिनट्स में हम इंशाल्लाह ट्रैम के ऊपर बैठ जाएंगे और उधर चले जाएंगे।